नांगल चौधरी सीट पर जेजेपी प्रत्याशी मूलाराम गांव से मलोधी गांव से 600 राव समर्थकों के मिले समर्थन की वजह से मुस्कान के साथ चुनाव प्रचार को और तेज कर चुके हैं। हमारे सहयोगी कुलदीप सिंह पठानिया ने चौधरी मूलाराम से खास बातचीत की है। तो नांगल चौधरी की विधानसभा की चुनावी चौधराहट जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं गांव लोजता में। अच्छा, और हमारे साथ हैं इस वक्त जेजेपी की प्रत्याशी मौलाराम जी। अच्छा मौलाराम जी, ये बताइए कि पहले सबसे बड़ी बात आज के दिन की आ रही है कि मलोदी गांव से मौलाराम जी की जीत तय हो गई है, वाकई सच्चा है? वाकई सच्चा है जी, जीत हमारी पहले तय थी। जीत आपकी पहले से तय थी, ठीक है। अच्छा, अब और ज्यादा वोटों से ज्यादा जीतेंगे। अच्छा, अब और ज्यादा वोटों से ज्यादा जीतेंगे। आपको यादवों के वोट मिलने जा रहे हैं? सभी 36 बिरादरी के वोट मिलने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार की तरह 981 वोटों का मार्जिन रह गया था? हाँ, ठीक है। तो उसके बाद तो जेजेपी जो है, जेजेपी और इनेलो में टूट भी हो गई, अब तो वोट बटेगा, नुकसान होगा? इनेलो के पास कुछ नहीं बचा, सारा हमारे पास आ गया। अच्छा, सारा आपके पास? हाँ जी, और हमारे पास तो हर बिरादरी के वोट है, 36 बिरादरी के वोट है। उधर राजा राम जी दावा कर रहे थे कि हमारे पास भी 36 बिरादरी के वोट है, आपके सामने दिख रहा है, पब्लिक का जोश देखो, नौजवानों को देखो, है कि नहीं? पिछली बार कांग्रेस से वोट आए, उससे भी कम आएंगे उनके, तो मुकाबला हमारा बीजेपी का है। अच्छा, जो अभय सिंह जी हैं, अभय यादव जी हैं, उनका मुकाबला आपसे अब सीधा? हाँ जी, हमारा सीधा मुकाबला। और अब जो समर्थन आपको दे दिया राव इंद्रजीत जी के समर्थकों ने? समर्थकों को तो हमारे भी थे और उनके भी थे, बाकी उनके जो उनके चुनाव आते हैं जो उनके करते हैं, और बाकी मेरे भी सपोर्टर करते हैं। अच्छा, दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप भी कैबिनेट में होंगे? वो तो कैबिनेट तो बाद में देख जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना जीत तो सुनिश्चित है, पर तो आगे की बात कर ली जाए। वो तो हमारी मीटिंग होगी, क्या होगा, कितना होगा, कैसा होगा मंत्री का तो। अच्छा, ठीक है। और इन योजनाओं को कैसे अमलीजामा पहनाएंगे, जैसे इन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में 75% से ज्यादा युवाओं को नौकरी देगी जेजेपी? हाँ जी, 75% जो हमारे उद्योग लग रहे हैं उनको हमारे नौजवानों नौकरी दी जाएगी। चौधरी मौलाराम जी, ये बताइए कि दरअसल ये जो बड़े मुद्दे हो जाते हैं ना, उनकी काट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खिलाड़ियों की जन्मभूमि कहा जाता है इसे, कर्मभूमि कहा जाता है, सैनिकों की कर्मभूमि और जन्मभूमि कहा जाता है इसे, और जब धारा 370 बालाकोट जैसी बातें होती हैं, सेंटर का कैसे समझाएंगे जनता को? ये तो सेंटर की बात है, आपको तो नीचे मैदान में देखना है। ऐसा जी, वो देश का काम है, ये राज्य का काम है, और कल में पंचायत के चुनाव वो चुनाव अलग होते हैं, और ये विधानसभा का चुनाव, इनमें देखना मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा, MLA कौन होगा, उसके हिसाब से वोट देते हैं क्षेत्रवाइज। अच्छा, एक और सवाल, जैसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस कई धड़ों में बट गई, उसके बाद अभी तक राहुल गांधी ने प्रचार की शुरुआत नहीं की है। क्या कांग्रेस का जो अध्यक्ष अशोक तंवर, उसने पार्टी छोड़ दी, उसने हमारा समर्थन किया है, अब मैं जेजेपी का समर्थन करूंगा अशोक तंवर ने। अच्छा, बबीता फोगाट, मतलब उन्होंने पहले जेजेपी ज्वाइन की, फिर खिलाड़ियों को लगा नहीं बीजेपी में ज्यादा कुछ मिलता है, दादरी में जाकर हमने क्या पता जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जीतने जा रहे हैं आप, कन्फर्म? हाँ, जीते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोजपा दरअसल ये गांव है, और आज सुबह ही मलोदी गांव से दरअसल आश्वासन मिला है चौधरी मौलाराम को कि जीत आपकी तय है। अब वो सभी 36 बिरादरियों का समर्थन अपने नाम करने की जुगत में लगे हुए हैं। हम यहाँ पहुंचे थे और उनका दावा है कि वो जीत की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। अब देखना होगा कि 24 तारीख को कौन जीत कर सामने आता है। इस वक्त लोजपा गांव नारनौल के आसपास से नांगल चौधरी विधानसभा से मैं कुलदीप सिंह पठानिया, कैमरामैन अरशद खान के साथ R9 TV के लिए।